अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है JNU के MA उर्दू प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा आपको MA उर्दू के बारे में, अगर आप चाहते हैं करना JNU से तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो को देखते रहें आप पूरा, अगर आप मेरा जो थंबनेल देखते हैं तो ज़रूर आप इस कोर्स पर इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ इसको देखते रहें, आगे बहुत आपकी हेल्प होने वाली है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो सारे बेस्ट टाइम पर पहुंच रहे। तो पहले बात करते हैं इसकी डेट्स के बारे में। दोस्तों जो इसके जो फॉर्म है जो 27 जुलाई तक फॉर्म इसके आ चुके हैं, 27 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे शाम को 5 बजे तक। अगर आप दोस्तों फीस पे 27 अगस्त तक 5 बजे तक फी पे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, फी दोस्तों आप रात को 11:50 तक 27 अगस्त को पे कर सकते हैं। दोस्तों कितनी फीस आपको पे करना पड़ेगी अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों अगर आप जनरल हैं या आप हैं EWS तो आपको पे करना होगा 530 रुपये। अगर आप आते हैं SC ST OBC या PWD तो आपको पे करना होगा 310 रुपये। अगर दोस्तों आप आते हैं BPL कैटेगरी में तो आपको पे करना होगा 110 रुपीज़ प्लस जो भी आपका सर्विस चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कितनी सीट्स आपको यहाँ मिलती हैं। दोस्तों एमए उर्दू में एंड JNU से टोटल सीट्स है 39 जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर 15 सीट्स हैं, SC के अंदर 6 सीट्स हैं, ST के अंदर 3 सीट्स हैं, PWD के अंदर 2 सीट्स हैं, EWS के अंदर 11 सीट्स, दोस्तों OBC में 11 सीट्स हैं और EWS में दोस्तों 4 सीट्स हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन कौन दोस्तों JNU में MA इन उर्दू अप्लाई कर सकता है। अगर आपने BA किया है, कोई भी बैचलर किया हुआ है, कोई भी BA BSc कुछ भी किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है और आपके मार्क्स हैं 45% तो आप इस कोर्स में टोटली एलिजिबल हैं। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पर मतलब उर्दू पढ़ी हो अपने बैचलर के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको उर्दू आना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इसका सिलेबस, सवाल आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। दोस्तों इसका सिलेबस आप देख लें, जिसका सिलेबस मेनली वही वो है जो कि हर जो भी इंडिया की मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होता है नॉर्मल, वहाँ से आपको सवाल मिलने वाले हैं। टॉपिक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर यहाँ से आपको सवाल मिलने वाले हैं। दोस्तों मतलब क्लासिकल उर्दू पोएट्री सवाल मिलेंगे आपको, क्लासिकल उर्दू प्रोज यहाँ से आपको सवाल मिलने वाले हैं। सो मॉडर्न उर्दू मतलब पोएट्री यहाँ से आपको सवाल मिलने वाले हैं, मॉडर्न उर्दू प्रोज यहाँ से आपको सवाल मिलने वाले हैं। सो मेजर मतलब जॉनर ऑफ उर्दू पोएट्री प्रोज यहाँ से आपको सवाल मिलने वाले हैं। सो मेजर आपके लिटरेरी मूवमेंट एंड ट्रेंड ऑफ उर्दू लिटरेचर, तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है, यहाँ से आपको आपके एंट्रेंस में सवाल मिलने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं पेपर कैसा होगा। पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा, 100 सवाल आएंगे आपके, इसमें आपके MCQ होगा जो कि दोस्तों उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 घंटे का दोस्तों आपका टेस्ट होगा, दोस्तों तुक्का मारे आप तुक्का मार सकते हैं दिल खोल के, कोई भी तुक्का गलत होगा आपका तो कोई आपको हार नहीं होने वाला है, अगर सही हो गया तो आपको फायदा ही फायदा होगा। तो सारे सवाल आप अटेम्प्ट करिएगा, कोई सवाल छोड़िएगा मत। दोस्तों अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कितनी आपको फीस पे करनी पड़ेगी MA उर्दू फॉर योर 1 ईयर, तो दोस्तों यहाँ लगभग आपको 300 से लेकर 350 रुपये ईयरली दोस्तों फीस है जो कि आपको पे करना होगी JNU को। दोस्तों मैंने आपको बताई सारी डिटेल MA उर्दू या JNU, आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल मेरा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।